मैंने पिछला लेक्चर जो आपको यही समझाया था ना कि एवरी एलिमेंट्री रो ब्रैकेट में कॉलम ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स कैन बी अफेक्टेड बाय प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ एन ए प्रीपेयर्ड ऑर्डर। मतलब मैंने कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन लगाने से, जैसे ये मैट्रिक्स है आपकी और वो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, अगर आपने इसमें रो ऑपरेशन लगाया और आपने ए एम प्राप्त किया, तो उसका कहना है जो आप रो ऑपरेशन लगा करके ए एम प्राप्त किए हैं वही आप मैट्रिक्स दिए गए मैट्रिक्स में एलिमेंट्री मैट्रिक्स से गुणा करके आप प्राप्त कर सकती हैं। मतलब ए में एलिमेंट्री मैट्रिक्स से गुणा करके आप प्राप्त कर सकती हैं। तो उसका वेरिफिकेशन मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इसमें मैंने आर वन टू अप्लाई कर दिया। तो अगर मैं इस पर आर वन टू अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर वन आर टू इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज हो गया तो हमें नई मैट्रिक्स ए एम मिल गई। अब हम क्योंकि प्री मल्टीप्ल रो ऑपरेशन लगाए तो हमको प्री मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो थ्री क्रॉस फोर की मैट्रिक्स है तो प्री मल्टीप्लीकेशन के हम लोगों को थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए। तो हम लोगों ने थ्री ऑर्डर की आइडेंटिटी ले लिया। और आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स है तो आपको पता है कि सिंगल रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो जो ऑपरेशन यहाँ पे लगाया वही ऑपरेशन लगा दीजिए, आर वन टू कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स आई है उसी का इस दिए गए मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो प्री मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या मिला, जीरो ए टू वन फिर जीरो, ये मतलब ये मिला। और ये वही मैट्रिक्स है जो आपका रो ऑपरेशन से मिली थी, जो रो ऑपरेशन लगा करके मिली थी। तो इसका मतलब रो ऑपरेशन लगाने से जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है वही मैट्रिक्स हमें कैसे प्राप्त होगी, दिए गए मैट्रिक्स में एलिमेंट्री मैट्रिक्स का प्री मल्टीप्लीकेशन करके, है ना। अच्छा, वेरिफिकेशन नंबर टू, मतलब ये दो एक और ऑपरेशन दूसरा ऑपरेशन से करने जा रहा हूँ। तो मैंने आर वन आर टू में के से मल्टीप्लाई करके आर वन में ऐड कर दिया तो ये मिल गया। अब सेम ऑपरेशन आइडेंटिटी पे लगाइए तो ये हो गया। अब इसका उसमें प्री मल्टीप्लीकेशन करिए, जो आपकी मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लीकेशन के, देखिए प्री कर रहा हूँ मैं, तो प्री करेंगे तो क्या मिलेगा, वन के ए टू वन, मतलब मिला ना, देखिए वही मैट्रिक्स मिली ना। यानी जो दी गई मैट्रिक्स थी उस पर आपने रो ऑपरेशन जैसा लगाया था वैसा ही मैट्रिक्स आपको फिर मिल गया दिए गए मैट्रिक्स में एलिमेंट्री मैट्रिक्स का गुणा करके, ठीक है जी। तो यही सिंपल सी बात थी। अच्छा, अगर मान लीजिए आपकी मैट्रिक्स ए होती और उस पर आप कॉलम ऑपरेशन लगा करके ए एन प्राप्त करती तो वही ए एन जो है आप उस दिए गए मैट्रिक्स में एलिमेंट्री मैट्रिक्स का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करके प्राप्त कर लोगी। पोस्ट मतलब बाद में। तो आइए जरा इसको समझते हैं। तो जैसे ए आपकी मैट्रिक्स है, आप कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहती हो, पहला दूसरा को आपने इंटरचेंज कर दिया इंटरचेंज। इंटरचेंज करने के बाद आपको ये मिल गया तो आप पोस्ट मल्टीप्लीकेशन तो 4 क्रॉस 4 की आइडेंटिटी ले लीजिए और जो ऑपरेशन आपने ऊपर लगाया था वही ऑपरेशन इसमें लगाइए। तो C1 C2 का इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया तो आपको ये मिल गया। अब क्या करिए, A में EN से मल्टीप्लाई करिए पोस्ट, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल गया, 0 A12 फिर 0 फिर 0, देखिए ये हो गया आपका। तो कितना मिला, A12, मतलब मिला जुला करके सेम मैट्रिक्स आई ना, देखिए जो आपका रो ऑपरेशन लगाकर मैट्रिक्स प्राप्त हुई थी वही मैट्रिक्स फिर आ गई। तो मतलब अगर कॉलम ऑपरेशन लगाते हो तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करिएगा और रो ऑपरेशन लगाते हो तो प्री मल्टीप्लीकेशन करिएगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। देखिए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अब सबसे सिंपल सी बात है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, तो मैं बोल रहा हूँ इसमें आप लिख लीजिएगा, कोई भी मैट्रिक्स यानी टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर, यानी दो मैट्रिक्स ए और बी सेम ऑर्डर के हों, ठीक है, आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, यानी दोनों को आप इक्विवेलेंट कहेंगे, इफ इट इज पॉसिबल, यानी ऐसा संभव हो सके क्या कि टू गेट यानी प्राप्त करें वन मैट्रिक्स यानी उनमें से एक मैट्रिक्स को फ्रॉम द अदर यानी दूसरी मैट्रिक्स से, कैसे, बाई एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री रोज और कॉलम ऑपरेशंस। यानी दो मैट्रिक जैसे ए मैट्रिक्स है और इसी पे रो ऑपरेशन लगाते, जैसे ए बराबर 1 2 3 है, 2 1 2 है, 3 1 2 है, इस पे रो ऑपरेशन लगाया, मान लीजिए R12 लगाया यानी R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया तो आपको मिल गया क्या, 2 1 2 1 2 3 3 1 2, आपको ये मिल गया ए मैट्रिक्स से, ठीक है जी। फिर ऐसे ही फिर और दूसरा ऑपरेशन लगाया, मान लीजिए आपने पहला दूसरा को जोड़ दिया तो ये 3 3 5 1 2 3 3 1 2, तो जो भी मैट्रिक्स आपको मिल रही है वो इसके इक्विवेलेंट कहलाएगी। अगली मैट्रिक्स जैसे मान लीजिए बी है तो ये बी ए के इक्विवेलेंट कहलाएगी, क्योंकि बी आपने जो प्राप्त किया है वो ए से ही प्राप्त किया है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाकर भी प्राप्त कर सकते हो। तो जब किसी मैट्रिक्स पे एक या एक से अधिक रो या कॉलम ऑपरेशन लगाते हो और आपको नई मैट्रिक्स मिलती है तो नई मैट्रिक्स पहली मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट कहलाती है, उसका सिंबल जो है डिनोट करने का ऐसा होता है, ठीक है जी।
ध्यान दीजिएगा। अब सुनिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, सब सुनिए क्या है प्रॉपर्टी में, इसमें थ्योरम लिख देता हूं मैं, ठीक है। इफ ए एंड बी, ठीक है, बी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, देन देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर एंड सी सच दैट बी इज इक्वल टू आर ए सी। यानी मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ए और बी दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं तो हम बी को आर ए सी मतलब ऐसा लिख सकते हैं, बी बराबर आर ए सी। तो आइए देखते हैं, अब सोचिएगा जरा, ए और बी दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं, सोचिएगा, तो आपने बी को जब प्राप्त किया होगा तो ए से ही प्राप्त किया होगा। कैसे प्राप्त किया होगा, एक ऑपरेशन या दो रो ऑपरेशन या एक रो एक कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसा कुछ लगा के बी को प्राप्त किया होगा। तो अगर हम आपको मैंने क्या बताया था, किसी मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन लगा करके जो मैट्रिक्स आप प्राप्त करती हैं वही मैट्रिक्स इसमें एलिमेंट्री आप मैट्रिक्स से गुणा करके भी प्राप्त कर लेंगी, तो आर वन आपकी पहली एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गई। यानी एक रो ऑपरेशन लगाया और ए से आपको ए एम मिला, तो जो मैट्रिक्स आपका ए एम मिला था रो ऑपरेशन से वही मैट्रिक्स ए पर एलिमेंट्री मैट्रिक्स का प्री मल्टीप्लाई करके हो गया। अगर जो ही आप दूसरा ऑपरेशन लगाएंगी तो मैट्रिक्स बदल जाएगी, नई मैट्रिक्स आ गई, तो वही मैट्रिक्स फिर यहाँ पे एक नई एलिमेंट्री मैट्रिक्स गुणा करके प्राप्त कर लेंगे। फिर अगर आपने ए में तीसरा रो ऑपरेशन लगा करके नई मैट्रिक्स यहाँ प्राप्त किया तो वही मैट्रिक्स फिर एक नई एलिमेंट्री मैट्रिक्स से गुणा करके प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपने कॉलम ऑपरेशन लगाया और नई मैट्रिक्स मिल गई तो वही मैट्रिक्स आपको कैसे मिलेगी, कॉलम जो भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करके, फिर कॉलम ऑपरेशन लगा कर जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसी वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी कॉलम यानी एलिमेंट्री मैट्रिक्स का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करके। तो यानी जितने रोज ऑपरेशन आप लगाते हैं उतने ही एलिमेंट्री मैट्रिक्स का आपको गुणा करना पड़ेगा, और जितने कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं उतने ही कॉलम ऑपरेशन का गुणा कॉलम मैट्रिक्स सॉरी एलिमेंट्री मैट्रिक्स का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर कोई बी मैट्रिक्स आप ए से प्राप्त करती हैं 10 रो ऑपरेशन लगा करके तो इसका मतलब 10 एलिमेंट्री मैट्रिक्स गुणा करना पड़ेगा, और 10 कॉलम ऑपरेशन लगाकर प्राप्त करती हूँ 10 कॉलम मैट्रिक्स यानी 10 एलिमेंट्री मैट्रिक्स का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो यहां लिखना पड़ेगा सिंस बी इज इक्विवेलेंट टू ए देन मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेंड, कहां से प्राप्त किया होगा, ऑब्टेंड फ्रॉम ए बाय अ सीरीज ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है। यानी आप बी को कैसे प्राप्त की होंगी, विद द सीरीज ऑफ रोज एंड कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है। और आपको मैंने थ्योरम क्या बताया था, एवरी एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स कैन बी इफेक्टेड बाय, क्या लिखवाया था, एंड वी नो दैट, we know that every elementary row bracket में column operation on a matrix can be affected by pre post multiplication of the given matrix given matrix with the elementary matrix matrix elementary matrix of appropriate order of appropriate order, ठीक है। that is b can be रिटेन एज बी इज इक्वल्स टू, कैसे प्राप्त करें, ए पर हम लगा देते हैं ऑपरेशन, तो लगा दिया मैंने आर वन आर टू ऐसे इस तरीके से, ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गई, जितने रो ऑपरेशन लगाए उतने एलिमेंट्री मैट्रिक्स, जितने कॉलम ऑपरेशन लगाए उतना एलिमेंट्री मैट्रिक्स पोस्ट, और मिल गया आपको बी। अब क्योंकि ये जितनी भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स होंगी सब सेम ऑर्डर की होंगी तो सबका गुणा करके ये मिल जाएगा, और ये भी सब सेम होंगी तो ये मिल जाएगा बराबर बी,
ये मिल गया b बराबर आर ए सी, वेयर r बराबर कितना होगा आर एम डॉट डॉट आर टू आर वन, सी बराबर कितना होगा सी वन सी टू डॉट डॉट कितना सी एन, आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, सिंगुलर नॉन सिंगुलर समझते हैं ना, जिसका मॉड नॉन जीरो होता है उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं। और आपको पता है ना आर वन एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी से आती है, तो आइडेंटिटी नॉन सिंगुलर है तो आर वन भी नॉन सिंगुलर होगा, सबके सब नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का गुणा क्या होता है नॉन सिंगुलर। तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट से जो आर आया वो नॉन सिंगुलर, जो सी आया वो नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, थ्योरम आपका जस्ट जो अभी था उसी से संबंधित है। इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस देन क्या ये हो जाएगा ए बराबर आर इनवर्स बी सी इनवर्स, ठीक है। तो सुनिए, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है बालिकाएं हैं तो सेम टू सेम ये थ्योरम हो गया ना। अब जब सेम टू सेम हो गया तो ए पूरा लिख दीजिएगा, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आर सी बराबर बी। तो सिंस आर एंड सी आर नॉन सिंगुलर, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है जो नॉन सिंगुलर है, देन आर इनवर्स एंड सी इनवर्स एग्जिस्ट। नहीं समझिए आप, कोई मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर तो उसका मॉड नॉन जीरो होगा, और ए इनवर्स बराबर क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ए। अगर किसी का मॉड ए नॉन जीरो तो उसका इनवर्स अवश्य होगा, तो क्योंकि आर और सी नॉन सिंगुलर दोनों का मॉड नॉन जीरो होगा, तो आर इनवर्स सी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देन दोनों के लेफ्ट यानी प्री मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप आर इनवर्स का, और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए सी इनवर्स का। तो आर इनवर्स आर क्या हो गया आई, और सी इनवर्स ये क्या हो गया आई, तो हो जाएगा आई इनवर्स बी सी इनवर्स, तो हो जाएगा ए बराबर आर इनवर्स बी सी इनवर्स, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया, नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक रहेगा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का रैंक, ठीक है।